समय में हमारे सामने आकर के खड़े हो गए हैं। यकीन मानिए हमसे जिस और लंबाई में बहुत कम है, हमारे दोस्त भी है, लेकिन खिताब बहुत ऊंचा होता है, खिताब बहुत मोटा होता है और बहुत ही मवाद आप तकरीर करते हैं। शेख रियाज अक्सर अतैमी हफिदहुल्लाह माइक पर और आप लोग हवाले शेख रियाज साहब, आप लोग शेख रियाज साहब के हवाले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم صدر اجلاس، ناظم جلسہ، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، سیاسی رہنما حضرات اور سامنے تشریف فرما، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، رات کافی ہو چکی ہے لیکن پھر بھی رات کے اس پہر میں، اس حصے میں پوری ایک سوئی کے ساتھ آپ کا بیٹھے رہنا اور
मुख्तलिफ उलमा की ज़बानी मुख्तलिफ अनामीन पर उनकी बातों को सुनना ये इस बात की दलील है कि आप अल्लाह और उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत रखने वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल हम सब के कहने और सुनने को कबूल फरमाए और हम सब की निजात का जरिया बनाए। आमीन। हजरत गिरामी कुरान अजीज जो इस इंसानियत की फलाह तहबूद के लिए उसकी कामयाबी और कामरानी के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दस्तूर की शक्ल में लेकर आए हैं। उस कुरान की खूबी ये है कि जब इंसान उसे पढ़ता है और उसकी आयतों में गौर और फिक्र करता है जब उसकी आयतों में गौर और फिक्र करता है तो इंसान उसी कुरान का होकर रह जाता है। ये कुरान का एजाज है कि जब जब लोगों ने इस पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, जब जब लोगों ने इस पर भेजा इराजात किए, इस कुरान ने हमें ये दावा दिया है वक्तों में क्या है कुरान पर दुनिया उठाने वालों, ऐ कुरान पर भेजा इराजात पेश करने वालों, आओ तुम अपने रब के किताब को पढ़ो और रब की आयतों में अपने आप को ढूंढने की कोशिश करो। हजरत गिरामी इंसान चाहे नेक हो या मर्द हो या अमीर हो या गरीब, इस कुरान की खूबी ये है कि इसने तमाम किस्म के लोगों का तज़किरा किया। मैंने जो आए गरीबों पर रात के सामने पेश की है सूरह अल-अन्बिया की आयत नंबर 10, अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, लकद अनज़लना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम अफला तअक़िलून, ऐ मेरे बंदो हमने कुरान को इस किताब को तुम्हारी तरफ नाज़िल किया है, फीहि ज़िक्रुकुम और इसके अंदर हमने तुम्हारा तज़किरा भी किया है तुम्हारा ज़िक्र भी किया है, अफला तअक़िलून, लेकिन तुम लोग अकल नहीं रखते हो, समझते नहीं। मेरे भाइयों एक मशहूर ताबी आलम ने कैस गुजरे हैं, अहनत ने कैस का बयान है फरमाते हैं कि जब मैं कुरान की तिलावत कर रहा था और अल्लाह की आयत लकद अनज़लना इलैकुम किताबन फीहि ज़िक्रुकुम अफला तअक़िलून, जब इस आयत मुबारक पर मैं पहुंचा, जब पढ़ते पढ़ते इस आयत पर मैं पहुंचा, मैं ये सोचने लगा कि वो रब रब इस कुरान के अंदर ये बयान फरमा रहा है फीहि ज़िक्रुकुम कि मैंने तुम्हारा तज़किरा इस कुरान मजीद के अंदर किया है, मैं कुरान को पढ़ रहा हूँ लेकिन कहीं अपने आप को नहीं पा रहा हूँ। हजरत ज़ैनब कहते हैं कि जैसे मैंने आयत मुबारक पे गौर किया मैं फौरन इस कुरान की तिलावत शुरू कर दिया, कुरान की तिलावत करते करते जब सूरह ज़ारिया की आयत मुबारक पर पहुंचते हैं कालू कलीलम मिन अल-लैल मा यजऊ वबिल अस्हार हुम यस्तग़फिरून वफी अमवालिहिम हम हम्मालू जिसमें अल्लाह ने उसे
बंदूक करते तेरा पर मारा है कि जो रात को पूरी दुनिया सो रही होती है, रात के बजने तारीखों में होती है, पूरी कायनात सो रही होती है। ऐसे वक्त में अल्लाह के बहुत कम बंदे हैं, बहुत थोड़े बंदे जो रात को तारीखों में उठ कर अपने रब को याद करते हैं, क़याम का इत्तेमाम करते हैं, तहज्जुद का इत्तेमाम करते हैं, नफिल का इत्तेमाम करते हैं, अपने परवरदिगार को उस वक्त याद करते हैं। और रब के उन बंदों का भी तज़किरा किया जो जब से भुका हुआ बड़ा सुहाना वक्त होता है, पूरी दुनिया सो रही होती है, फजर का वक्त होता है, रब के बंदे उस रात भर में जाकर अपने रब की बारगाह में बख्शिश तलब करते हैं। व बिललाह यस्तगफिरो व फी अमवालिहिम हक्कुम मालू, ये माल है, ये मालदार लोग हैं जिनके पास दौलत की रेल है, वो अपनी दौलत में उन 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 गरीबों का भी हक फिक्स करके रखते हैं। लाई वल महरूम, जो मांगने वाले हैं, जो गरीब हैं, जो 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 मुफलिस और कलाश है, उनका भी हक अगर वो अपने माल में तसव्वुर करते हैं। हजरत अनस कैस कहते हैं कि जब इस आयत मुबारक को मैं पढ़ा तो मैंने जब पर पैदा किया कि जब मैं सोचने लगा तो मैं अपने आप को इस आयत के मिसबाक नहीं पाया, अपने आप को मैं इस आयत मुबारक के मिसबाक नहीं पाया। उसके बाद कहते हैं कि फिर मैं सूरह आले इमरान की आयत को पढ़ता हूं जिसमें अल्लाह कहता है कि अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वद्दर्राई वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीन अन-नास। अल्लाह ने वो बंदे जो तंगी की हालत में थे, खुशहाली की हालत में भी अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़, और जब गुस्सा आता है तो गुस्से को पी भी जाते हैं, वल-आफ़ीन अन-नास, और लोगों को माफ कर देते हैं। फिर सूरह शूरा कहते हैं कि वो लोग अपने आप को कबाइल से बचाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी से बचाते हैं, अल्लाह की मासियत से बचाते हैं, और जब गुस्से में होते तो गुस्से के हालत में लोगों को माफ कर देते हैं। ढूंढ रहे आपको पुराने करीम की आयतों में, कि जब लोगों के सामने अल्लाह का तज़किरा किया जा जाए, अल्लाह को याद किया जा जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह की जब गवाही दी जाती है, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया जा जाए, यस्तकबिरो मारे किब्रो गुरूर के, मारे किब्रो गुरूर के, वो उन आयतों का इनकार करते हैं। अल्लाह की आयतों, अल्लाह की तौहीद का जब ऐलान किया जा जा है तो उस वक्त अपने किब्र का इजहार करते हैं, कहते हैं कि ना इस आयत में भी मैं अपने आप को नहीं पा रहा हूं। दूसरी आयत मा सलकतुम फी सफर कालू लौलकुम मिनल मुसल्ली वलम नकुन नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु मअल कहते हैं ना तो कैसे मैं जब इन आयतों पर पहुंचा कि जन्नती को जब जन्नत में भेज दिया जाएगा, जहन्नमी को जहन्नम के हवाले कर दिया जाएगा, फी जन्नाती तसालूना लिल मुजरिमीन मा सलकतुम फी सकर, जन्नती जहन्नमी से पूछेंगे कि मेरे जहन्नमी भाइयों तुम्हारे किस अमल ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, किस अमल की बुनियाद पर तुम जहन्नम रसीद कर दिए गए, वो जहन्नमी जवाब देंगे मा सलकतुम फी सकर लम नकुन मिनल मुसल्लीन,
मैं नमाजियों में से नहीं था, नमाज का एहतमाम करने वाला नहीं था, नमाज पढ़ने वाला नहीं था। वलम नकुलु कौमन मिस्कीन, और अल्लाह के गरीब बंदों को मैं खाना नहीं खिलाता था। वकुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन, और शरीयत का जहां जहां मजाक उड़ाया जाता था, दीन के खिलाफ जहां जहां गप्पे उड़ाए जाते थे, मैं उन लोगों की मजलिसों में शामिल होता था और उनका ताउन किया। मैं भी शरीयत का मजाक उड़ाने वालों में से था। एन अब्दुल कैस कहते हैं कि शायद को पढ़ने के बाद मैंने फौरन बारगाह में अपने हाथों को बुलंद किया, अल्लाह की बारगाह में अपने आप को उठाया और ये दुआ किए, ये बरात का इजहार किया अपने रब के सामने, मेरे भाइयों, इस वाक्य में हमारे आपके लिए पैगाम है। आज हम गलतियां कर बैठे हैं, गुनाह कर लेते हैं, उसके बावजूद हम अपने गुनाहों पर नादान नहीं होते, अपने गुनाहों पर बसे रहते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के लिए ऐसे सूरत तौबा की आयत मुबारक में पैगाम है। कुरान ने कहा वा करूना तरतो बिजुमो खलतु अमल सालिह वा रसिया असल्लाहु अय्यतुबा अले अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदों से गलतियां होती हैं, अल्लाह के बंदे नेक काम में करते हैं, गुनाहों का काम भी सही से हो जाता है। वो अल्लाह के बंदे जहां नमाज पढ़ते रोजे रखते हैं, जहां जो भी वाजिबात है उसकी अदायगी करते हैं, उसके बावजूद भी फरिश्ते नहीं इंसान है, इंसान होने के ऐसे ऐसे गुनाह कर बैठते हैं, लेकिन अपने गुनाहों पर जमे नहीं रहते, बल्कि गुनाहों का जैसे अपने आमाल गलत गलत हो जाने के बावजूद रब की बारगाह में अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। क्यों इकरार करते हैं? इस उम्मीद के साथ अस्सलाम वअलैकुम अलैहिम इन्नल्लाह गफूर रहीम, इस उम्मीद के साथ अपने गुनाहों का इकरार करते हैं कि रब ताला हमारे तौबा को जरूर कबूल कर। आज हम और आप अपने आप को देखें, जब ये सूरह तौबा की आयत मुबारक पर पहुंचे अनस बिन कैस, तो सुनो ने कहा कि अल्लाह मैंने अपने आप पा लिया, मैंने अपने आप पा लिया और इस आयत से मैं खड़ा हो रहा हूं। इतनी ही रुकों को तो इसके साथ अंदर तुम्हारा भी अभी तरह मौजूद है। आज हम आए देते हैं इंसान अपने आप को देखे कि क्या कभी हमें इस बात की तौफीक होती है कि हम अपने आप को कुरान के पारों में ढूंढे, कुरान की आयतों में ढूंढे, अपने आप को कुरान के सदरों में ढूंढे, हम अपने आप को अल्लाह के उस फरमान में ढूंढे, कभी हमें इस बात की तौफीक नहीं होती। मुसलमान होने की हैसियत से रमजान का महीना आने वाला है, उस वक्त बड़े जज्बाती मुसलमान हो जाते हैं। रमजान के महीने में कदम कौन से हैं? चार चार कदम, दस दस कदम की हो जाती है। तो मैंने इतनी बार कुरान को खत्म कर लिया, मैंने इतनी बार कुरान को खत्म कर लिया, मुसाफा होता है आपस में घरों में, तुमने कितने खत्म कुरान किए, हमने तो इतने खत्म कुरान किए। मेरे भाइयों, कुरान को खत्म करना ये कमाल की बात नहीं है, कमाल की बात ये है कि अल्लाह की आयतों को जब हम पढ़ते हैं तो उन आयतों को मानी और मफाहीम को समझ पाते हैं, यानी समझ पाते हैं कुरान की आयतों का मुतालबा क्या हो रहा है, उन मुतालबात को हम पूरा कर पा रहे हैं, यानी कर पा रहे हैं। कुरान की आयतों का जो तकाजा है, उन
उन आकाजों को पूरा करने यानी कर रहे हैं। ये असल देखे और समझ में चुकी चीज कुरान ने हमें इबादत दे दिया कि इसी जिक्र करो। तुम अपने आप को ढूंढो, बैसे दो मोमिन अपने आप को कुरान में ढूंढो। आइए सूरह मोमिनून की उच्च खुदाई आयत को देखते हैं। अल्लाह कहता है कद अफलह अल मोमिनून الذين هم في صلاتهم خاشعون। ईमान वाले वो सारे के सारे कामयाब हो गए। الذين هم في صلاتهم خاشعون जो अपनी नमाजों में खुशू और खुशू इख्तियार करते हैं। والذين هم الزكاة فاعلون जो अपने माल का ज़कात दिया करते हैं। والذين هم لفروجهم حافظون जो अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करते हैं। والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون। इतनी सारी सिफात अल्लाह ने बयान की इन इब्तिदाई आयत में। अमानतदार होते हैं, अपने वादे के पक्के होते हैं। والذین هم علی صلاتهم یحافظون और अपने नमाजों की हिफाजत करने वाले। नमाजों से हिफाजत का मतलब क्या है? पता ही चला कि ये नमाज इंतहाई कीमती चीज है। आज हमारे पास कोई कीमती चीज होती है तो उसको हम उसी अंदाज में पूरी सेफ्टी के साथ रखने की कोशिश करते हैं और उसको ज्यादा हिफाजत करते ज्यादा करते। ये नमाज जिसे हम आप मामूली समझते हैं, बड़ी अहमियत है इसकी शरीयत मुहम्मदी के अंदर। हम सब जानते हैं कि हमारे नबी और आपके नबी, पूरी कायनात के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए थे। हत्ता कि इंसान जिन के साथ साथ जानवरों के लिए भी रहमत बनाकर भेजे गए थे। उस नबी की जात इतनी अजीम शान थी कि वो नबी के लिए किसी के लिए बद्दुआ नहीं किया। लेकिन हाँ, एक मौका ऐसा भी आया कि जब आपने बद्दुआ की और ऐसे बद्दुआ नहीं की। ग़ज़वे खंदक का मौका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जंग में शामिल है। सामने दुश्मनों का की फौज है, दुश्मनों से लड़ रहे हैं और ऐने लड़ाई के दरमियान असर की नमाज का वक्त खत्म हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा एहसास होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज असर को तो जाओ जाए। मेरे भाइयों, उस वक्त मेरे नबी ने बड़े सख्त अल्फाज में दुआ की, कामल अल्लाहु बुलूलहु व कुबूरहु नारन शगलूना लिस्सलाह। अल्लाह ने कब्रों को और इनके घरों को आग से भर दे, इसलिए कि इन्होंने मुझसे नमाज असर छीन ली है। नमाज असर से हमारी नमाज असर की वजह से मौत हो गई। ये नमाज, ये सूरह मोमिनून की जो चंद आयतें पेश की गई, इन आयतों के तनाजुर में हम अपने आप को देखें कि हम उसमें मौजूद हैं या नहीं, हमारा करामा है या नहीं। मेरे भाइयों और मेरी मां बहनों, बड़ा दिलचस्प मौजू है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं। हमारे नौजवान भाई या हमारी नौजवान बहनें कभी कभार अपने जवानी के आलम में इतने आगे निकल चले होते हैं कि शरीयत से उन्हें कोई मतलब नहीं, न दीन से कोई मतलब नहीं, न ईमान से कोई मतलब उन्हें, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। और वो ये समझते हैं कि कुरान ने हमारा तज़किरा करा था। मेरे भाइयों, कुरान में आपका भी तज़किरा करा था। आप अपने आप को ढूंढिए तो पहले, कुरान पढ़ने के आदि तो बने पहले, कुरान की आयतों को समझने का मलिका को पहले
आप पाए जाएंगे। आपका तस्करा मौजूद है और आपका तस्करा तो इतना अजीम शान है कुरान मजीद के अंदर, इतना अजीम तस्करा है कि आप ये कदा आपने बादशाह है वो के दरबार में जाकर अल्लाह ने तौहीद का ऐलान कर दिया और ये कह दिया कि लम नुशरिक बि रब्बिना अहदा, कि आज के बाद हम इस बात का अज़्म मुसम्मम करते हैं कि अल्लाह की जात में किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। अल्लाह को आपकी ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने आपको कुरान का हिस्सा बना दिया। आयतों में दिया तो ना मनो रब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। वो चंद नौजवान थे जिनके ईमान में और हिदायत में अल्लाह ने हमारे बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हुए हैं सोच रहे होंगे कि पुलिस साहब नौजवानों को गदगद कर दिए कहते कि आपका तस्करा कुरान में मौजूद है, हम गरीबों का भी तस्करा है कि नहीं है। दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं है। कुरान पढ़ के तो देखिए, कुरान की आयतों को पढ़ के तो देखिए, आपका भी तस्करा मौजूद है। आइए कुरान की आयत मुबारक को देखते हैं जिसमें आपका तस्करा मौजूद है। उठाइए सूरह अहकाम और पढ़िए, इसमें अल्लाह ने कहा वहमनु वहवसैन लिलइंसान बिवालिदैह एहसाना हमलतु उम्मुहु वअबावातुहु कुरहा وحمله واتصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. आपका भी तस्करा है, एक लंबी मुद्दत जब वालदैन बुढ़ापे की उम्र और पहुंचने लगते हैं, उस वक्त कुरान ने शायद के अंदर कहा कि आप जब 40 तक पहुंच जाते हैं तो 40 के बाद आपका काम ये रहता है कि आप अपनी औलाद की शक्ल में, वालिदैन की शक्ल में जो नेमत अल्लाह ने आपको दी है उन नेमतों का शुक्रिया अदा कीजिए और हमेशा रब्बे करीम से इस बात की दुआ कीजिए कि अल्लाह तू हमें ऐसा ऐसे अमल करने वाला बना दे जिस अमल के जरिए तेरी रजा हासिल हो सके, तेरी कुर्बत हासिल हो सके। और वो मरहला गुनाहों से तौबा और इस्तिगफार करने का मरहला होता है, वो मरहला इंसान को अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमतों पर उसका शुक्रिया अदा करने का मरहला होता है। आप अगर वालिदैन की हैसियत से हैं तो आपका भी बड़ा खूबसूरत तस्करा कुरान में बयान किया है। कुरान की आयतों को पढ़िए तो पहले, कुरान की आयतों को पढ़िए तो पहले घोड़िए आगे वर्गों में। अगर आपका तस्करा मौजूद ना हो तो फिर आप कहना कि मुल्ला साहब आए थे नवाब के स्टेज पर और लंबी लंबी छोड़ छोड़ चले गए, आप कुरान की आयतों को उसकी गहराई और गहराई के साथ पढ़ तो देखिए। अगर आप वालिदैन हैं, माँ बाप की हैसियत से हैं तो आपका भी तस्करा कुरान में क्या है। आइए जरा सूरह कहफ की आयतों को देखते हैं। ये अम्मल जिनारो फकान लगुलामैन यतीमैन फिल मदीनती वकान तातौ तंजल्लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा फाराद रब्बुक अय्यब्लुगा शुक्रहुमा वयस्तखरिजा कंजहुमा रहमतन मिन रब्बिक। मेरे भाइयों हजरत मूसा अलैहि सलाम और हजरत खिज्र अलैहि सलाम ये दोनों अल्लाह के नबी हैं, ये दोनों इन दोनों का गुजर किसी जगह से हो रहा था कि गांव से गुजर हुआ, गांव वालों से जाकर इन्होंने कहा कि गांव वालों मैं भूखा हूं मुझे खाना खिला दो। गांव वाले बड़े बखील थे, बड़े कंजूस थे, उन्होंने इन्हें खाना नहीं खिलाया कहा कि मेरे पास कोई चीज खाने के लिए नहीं है लिहाजा मैं आपको खाना नहीं खिला सकते। वहां से दोनों चलते
हैं हजरत मूसा और हजरत खिज्र वापस आते हैं, आकर एक दीवार पर देख लगा कर बैठ जाते हैं। देख देख दीवार काफी टेढ़ी हो गई। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने अपनी ताकत और कुव्वत अता की थी, उन्होंने अपने हाथ से उस दीवार को सीधी कर दिया, अपने हाथ से उस दीवार को सीधी कर दिया। ठहरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाले पैगंबर गुस्से में आ गए, पावर में आ गए और हजरत खिज्र से कहने लगे, क्या जरूरत है कि आपने दीवार को सीधी कर दिया, जब जैसे गांव वाले बड़े बड़े फकीर और कमजोर से इन्होंने मुझे खाना तक नहीं खिलाया। हजरत खिज्र ने कहा कि ऐ मूसा आप जरा सब्र तो कीजिए, आप जरा सब्र कीजिए, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको वाकया बयान करता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि लोगों से उजरत लेकर मैं उनकी दीवार खड़ी कर देता, उनसे मैं कीमत वसूल करता, दीवार को खड़ी करने की सीधी करने की मैं उनसे कीमत वसूल करता, उजरत वसूल करता और उस उजरत के बदले मैं जाकर खाना खाता। हजरत खिज्र ने कहा कि क्या ये रब का हुक्म आपको नहीं मालूम, अम्मल जिदारु फटान अल गुलाम यतीमैन फिल मदीनते, इस शहर में दो यतीम बच्चे हैं, उन यतीम बच्चों की दीवार है और उन यतीम बच्चों के बाप ने कुछ खजाना इसके नीचे दफन कर दिया था, अगर ये दीवार टेढ़ी ना होती मैं इसे सीधा न करता तो ये दीवार यही गिर जाती और इससे निकलने वाला खजाना कहो कि ये बकील और जो सारे लोग लूट लेते। वअम्मल जिदारु फकान अल गुलाम यतीमैन फिल मदीनते वकान ताताहु कंजुल लहुमा वकान अबूहुमा सालिहा। ऐ मेरे गार्जियन लोगों जरा ध्यान से सुनना, इस टुकड़े पे गौर करने की जरूरत है। वकान अबूहुमा सालिहा, अल्लाह ने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के जरिए उस यतीम बच्चे की मदद इसलिए फरमाई कि वकान अबूहुमा सालिहा, उन बच्चों के वालिदैन शराबी नहीं थे, जनाकार नहीं थे, उन यतीम बच्चों के जो वालिदैन थे वो बेईमान नहीं थे, किसी की जायदाद हड़पने वाले नहीं थे, अल्लाह के खिलाफ बगावत करने वाले नहीं थे, बल्कि कुरान ने कहा वकान अबूहुमा सालिहा, बड़े नेक पारसा थे, अल्लाह का खौफ खाने वाले थे, माँ बाप ने देते दीनदारों थे, वो जब इस दुनिया से चले जाते हैं, चले जाने के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी औलाद की मदद फरमाता है। अल्लाह ने मदद फरमाई और अगर वालिदैन ने को तो उसका क्या फायदा होता है। आइए जरा रब करीम की इस आयत मुबारक को सामने देखिए, वल्लजीन आमनु वत्तबअतुहुम ज़ुर्रियतुहुम बीमान लअना बिहिम ज़ुर्रियतुहुम वमा अलनाहुम मिन अमलिहिम मिन शय। एक इंसान अल्लाह का नेक बंदा, वली बंदा, अल्लाह का मुकर्रब बंदा, अल्लाह का खौफ आने वाला बंदा जब इस दुनिया से चला जाएगा जन्नत के सबसे हाई क्वालिटी में उसको जगह मिलेगी, लेकिन उसकी औलाद भी होगी और उसकी औलाद बहुत ज्यादा नेकियों का एहतमाम तो नहीं करती है, लेकिन जो फर्ज नमाज है उसका एहतमाम जरूर करती है, फर्ज रोजे का एहतमाम जरूर करती है, नवाफिल का एहतमाम नहीं करते, पाप जितना नेक अमल लेकर गया उसका उसे अशीर की औलाद लेकर नहीं गई, लेकिन रब को ये बात पसंद नहीं कि मेरा कोई नेक बंदा जन्नत की सबसे हाई क्वालिटी में हो और उसकी औलाद इसी जन्नत में लो दोजे में हो निचले तबके में हो, मेरा रब इस चीज को पसंद नहीं करता, बल्कि अल्लाह कहता है कि हम उनके बच्चों को अपग्रेड कर देंगे। पाप अगर नेक अमल किया होगा, नेकी के अमल अगर अंजाम दिया होगा, जन्नत में पहुंचने के बाद भी कम नंबर होने के बावजूद भी उसकी औलाद को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपग्रेड कर देगा और उसके वालिदैन के साथ जन्नत के आला दर्जे में जा मिला देगा। वालिदैन जब नेक हो गए और वालिदैन नेक नहीं, अगर आप चाहे हैं आपको नेक बनाना, अपनी नस्लों को नेक बनाना, तो कुरान की आयत को देखिए, रब ने क्या कहा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अय्युन वज़अलना लिल्मुत्तकीन इमामा। अल्लाह के नेक बनने अल्लाह से दुआ करते हैं, अम्मा कह अल्लाह मेरी औलाद को मेरे आंखों की ठंडक बना, अय अल्लाह मेरे अहले खाना को मेरी आंखों
ربنا لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما اے اللہ میرے بیوی بچوں کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں متقیوں کا امام ہو جاؤں میں میرے ڈرنے والے بندوں کا امام ہو جاؤں مجھے ایسا بنا دے کہ نیکی کے معاملے میں لوگ ہماری مثال دینے لگے لوگ مجھے اپنا آئیڈیل اور نمونہ تصور کرنے لگے ربنا حب لنا ازواجنا آج کے شوہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیویاں خوب بہترین انداز میں میک اپ کر کے آ جائے ہماری بیویاں خوب مہنگے جوڑے پہن کر آ جائے ہماری بیویاں اگر میری ذات کو اپنے آپ سے چھوڑ چھوڑ کے رکھے میرے والدین سب سے ہٹا کر کے مجھے رکھے ان سے الگ کر دے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بیویاں بہترین ہیں اور ایسی بیویاں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی نہیں نہیں بلکہ وہ بیویاں جو اپنے شوہروں سے محبت کو ضرور کرتی ہو اپنے شوہروں سے بھرپور پیار کرتی ہو لیکن اس پیار کا تقاضا یہ ہو شوہر سے محبت کا تقاضا یہ ہو کہ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے جس وقت مؤذن فجر کی اذان دے رہا ہوتا ہے جب مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح الصلاح تو خیر من النوم سونے والوں تمہاری نیند یہ بہتر تمہاری نماز ہے آ جاؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ رب سے ملاقات کے لیے ایسے وقت میں گھر آپ کی بیوی آپ کو جگاتی ہے آپ کو نیند سے بیدار کرتی ہے آپ کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کرتی ہے وضو کروا کر آپ کو رب کے گھر تک بھیجتی ہے مسجد تک بھیجتی ہے ایسی بیوی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی آپ کی بولا درد آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی جو اولاد شیخ شیادی ہو جائے جو اولاد فرمان ہو جائے جو اولاد رب کی نافرمان ہو رب کی شریعت کی نافرمان ہو رب کی آیات کی نافرمان ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمان ہو ایسی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی بلکہ وہ اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی کہ جب آپ فجر کی نماز میں پہلی صف میں کھڑے ہوں تو آپ کے قدموں کے قدموں کے نشانات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ کی اولاد آپ کے پیچھے پیچھے مسجد تک پہنچ جائے وہ اولاد آپ کے لیے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کا تو تذکرہ ہو گیا کیا اولاد کا تذکرہ کیا اگر آپ اولاد ہیں آپ کا بھی تذکرہ موجود ہے آپ قرآن پڑھے تو پہلے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے اس زمانے میں اور آج کے اس ماحول میں ہمارے گھر کے لیے نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد دین کا علم حاصل کر سکے ہماری اولاد قرآن و سنت کا علم حاصل کر سکے تاکہ اس کی روشنی میں والدین کے حقوق کو جان سکے اور والدین کی عظمتوں کو پہچان سکے ماں بیجی آج جو ہندوانہ کلچر ہے جو نصرانیوں کا جو کلچر ہے مشنریوں کا جو کلچر ہے آج اس کلچر کو ہم اپنے گھروں میں جگہ دے رہے ہیں آج قرآن و سنت کی تعلیمات کو ہوتے ہوئے ہم ایسے سکولوں میں اور ایسے تعلیم گاہوں میں اپنے والدین اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں جہاں جانے کے بعد ان کے دین کا بھی سودا ہوتا ہے ان کے ایمان کا بھی سودا ہوتا ہے ان کے کلچر کا بھی سودا ہوتا ہے اور ان کی ثقافت کا بھی سودا ہوتا ہے اگر آپ کی والدین آپ کے اولاد قرآن و سنت پڑھنا جانتی ہے قرآن کی آیتوں کو پڑھنا جانتی ہے ان کی نظروں سے اللہ کا یہ فرمان ضرور گزرے گا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اے میرے بھائیو اے نوجوان بھائیو اگر والدین کی نعمت آپ کے پاس موجود ہے آپ اپنے رب کا شکریہ ادا کیجیے اس نعمت پر کہ اللہ نے والدین کی شکل میں آپ کو ایسی ایسی نعمت عطا کی ہے جس کو جس کی خدمت کر کے اور جن کے ذریعے آپ جنت کو حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے آپ کے والدین بوڑھے ہو گئے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اما یلوغن عندک الکبر احدہما او کلاہما
आज हम जरा सा पैसा क्या कमा लिए, जरा सी मालदारी क्या आ गई, जरा से हम एडवांस क्या हो गए, आज हम अपने वालदेन को बड़ी बड़ी मजलिसों में भूल बैठते हैं, आज हम अपने वालदेन को अपने बगल में बैठाना अपने लिए बाई से आज समझते हैं, आज नतीजा बहुत छोटा है कि हम स्टार होटलों में रहते हैं, लेकिन हमें ये गवारा नहीं कि हमारे बूढ़े औलाद हमारे बूढ़े वालदेन हमारे घरों की खूबसूरती और उसकी जीनत बन कर रह रहे हैं, आज हम उन्हें भेज देते हैं ऐसी जगहों पर भेज देते हैं जहाँ नौकरों के जरिए उनकी जरूरतें पूरी की जाती हैं। قران نے کہا ہمما یلوغن عندك الكبر ادوما او الهما دونوں نے بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں سے کوئی ایک ہی بڑھاپے کو پہنچ جائے فلا قل لهما اوفن ولا تنهرهما میرے بھائیو کبھی ایک سوال اپ کے والدین آپ سے بار بار کر سکتے ہو ایک بچہ جب وہ ایک سوال بار بار کرتا ہے تو سوچتے بات ذہن میں آتی ہے کہ آج نہیں کل हमारा ये बच्चा अकलमंद हो जाएगा, होशमंद हो जाएगा, अकल आ जाएगी, इस तरह का सवाल करना बंद होगा, लेकिन वो लेंगे बुढ़ापे को मुड़कर पूछते हैं उनका हर आने वाला कल आज से कहीं ज्यादा कमजोर हो रहा है, आज से कहीं ज्यादा परेशानी का वक्त होता है, ऐसे वक्त एक ही सवाल बार बार आपसे कर सकते हैं, एक ही चीजों के बारे में बार बार आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन उनके माँ बाप ये है उनके अजमतों को समझना होगा, आपको आपको तक नहीं कहना उन्हें डांटना तक नहीं है, ये माथे पर शिकन तक नहीं लाना, वाला तनहर उन्होंने झिड़झिड़ा नहीं है, अगर एक बार आपने उन्हें झिड़झिड़ा या आपके बीबी से अगर आपके वालदेन डर गए खौफ में आ गए, अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम अल्लाह की आयतों की रोशनी में मैं ये कह रहा हूँ कि जिनके वालदेन नूर के जिंदगी में अपने औलाद से सवाल देने के लिए अल्लाह की जन्नत हराम, अगर आप चाहते हो कि अल्लाह की जन्नत हासिल कर ले आइए वालदेन की खिदमत कीजिए, अल्लाह के नबी ने कहा कि जब कोई अपनी अम्मा की खिदमत करता है तो कहा कि माँ के कदमों तले जन्नत है, और दाई अली रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी की रजाई माँ है, अपनी माँ को नहीं देख सके, लेकिन जब भी दाई अली से सामना होता था नबी पाक खड़े होते थे और बोसा लिया करते थे, माँ की अजमतों को कहाँ पाओगे, ये इस्लाम ने ये मकाम दिया, कुरान ने उनकी अजमतों को बयान किया, मेरे भाइयों अगर आप हमारी औरतें ये समझती होंगी कि मर्दों का तो तस्करा कहीं न कहीं आ गया, हम औरतों का तस्करा कहाँ, मेरे माँ बहनों आपका भी तस्करा कुरान ने बयान किया है, आपके बारे में भी कुरान ने गुफ्तगु किया है, आप आइए जरा अल्लाह को शायद से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनु अनु अमरा तनु कानता ताता तैन पखानता हुमा मलम युगनिया नुमा मिन अल्लाह शिया, अगर आप हो रहे हैं यहाँ हजरत नूह और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों का तस्करा किया जा रहा है, दोनों नबी हैं लेकिन दोनों की बीवी दोनों की बीवियां बदमाश है, दोनों की बीवियां अल्लाह के तौहीद के खिलाफ बगावत करने वाली है, अल्लाह ने कहा क्या है तुम्हारा शौहर नबी है क्या हुआ, तुम्हारे शौहर की नबूवत में काम नहीं आ सकती, मेरे माँ बहनों अगर आपकी औलाद आलिम दीन है, अगर आपके शौहर हाजी साहब है नमाजी साहब है बहुत बड़े आलिम दीन है, लेकिन आपका अपना अमल दुरुस्त नहीं, आपका अपना अमल ठीक नहीं खोटा है अमल, तो यकीन जानिए आपके शौहर की वो नमाज आपके बच्चों की आपके बच्चों का वो इल्म या इसी तरह से आपके शौहर का नमाजी होना या आपके बच्चों का नमाजी होना और बहुत बड़ा आलिम दीन होना आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, नहीं पहुंचा सकता, और दुनिया का सबसे बड़ा मगरूर शख्स त्राहन उसकी नीरी अली अल्लाह ने तस्करा किया है कि वो भी अभी त्राहन के जुल्म से तंग आ चुकी थी, मैं रब पर ईमान लाई और रब से ये दुआ किया इस قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله, ऐ अल्लाह तेरी ये बंदी तुझसे ये सवाल करती है इस बात की तमन्ना जाहिर करके के अल्लाह तू अपने नजदीक जन्नत में मेरे लिए एक महल बना दे, मेरे लिए एक महल बना दे,
और मेरा शौर जो बहुत बड़ा जालिम है, ना इसके फितने से तू मुझे निजात दे दे। मेरी माँ और बहनों, बहसियत औरत अगर आप पर्दे का एहतमाम नहीं करती अपने से, तो आबरू की हिफाजत नहीं करती, तो फिर आपके बारे में भी कुरान ने बयान किया है, अगर आप पाक खातून हैं, अगर आप दीनदार हैं, अमानतदार हैं, और तो हया की अपने अपने आप सामने की अगर हिफाजत करने वाली है, तो आइए हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के उस वाक्य को अपने सामने रखिए। रब ने कहा वो मरियम अल्लता इमरान अल्लती अहसनत फर्जहा, यहाँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने तज़किरा बयान किया। यहाँ तज़किरा बयान करते वक्त अल्लाह ने अपने खानदान को नहीं बयान किया, उसके नसब नामे को नहीं बयान किया, उसके मकाम व मर्तबा को इस अंदाज में बयान किया कि अल्लती अहसनत फर्जहा, वही मरियम जो बेटे को पाक दामनी की हिफाजत किया करती थी। आपका तज़किरा तो कुरान में मौजूद है। हमारे वो भाई जो ये समझते हैं कि हम दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोग हैं, मालदार लोग हैं, दौलत की रेल पेल हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं, जरा उनका भी तज़किरा कुरान में देख लीजिए, उनका भी तज़किरा कुरान में देख लीजिए। आवा माइन मफातिहु लतनु बिल उस्बति वलिल कुवा इस्कालहु कुमुला नफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीह। मेरे भाइयों, जब हमारा कुरान का आयतों की तिलावत करेंगे, कारून का तज़किरा मिलेगा। कारून के पास इतनी दौलत थी, अल्लाह ने उसका खजाना इतना बड़ा बना रखा था, उसका खजाना इतना अजीम था कि उसके खजाने की कुलियत कही गई, पहलवान बहादुर लोग मिलकर इकट्ठे हो रुकाया करते, फिर भी उसका कारून के खजाने की कुलिया नहीं होती, नहीं उठती। और कारून उस दौलत का किरो हो के दूसरे लोग लो दे देते दे, तो कह देते कारून जो दौलत अदा की गई है वो दौलत मुझे भी अदा की गई है, और इस दौलत के ज़ोम में कारून चलता था, तो अल्लाह ने उसे ये नसीहत की कि वाइस समा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के कारून ये दौलत तुम्हारी नहीं है, ये दौलत अल्लाह ने तुम्हें दिया है। आज जब जब ये दौलत तुम्हें हाथ लगी है, तो फिर उस दौलत के जरिए लोगों के साथ हुस्ने मामला करो, अच्छा सलूक करो। आज हमारे मालदार हजरात ये समझते हैं कि जब हमारी आंखें बंद होगी, तो ये दौलत और ये माल, ये बिल्डिंग, ये सारी चीजें हम लेकर कब्रों में चले जाएंगे। मेरे भाइयों, जब आंखें बंद होगी, आपकी यही औलाद और यही लोग, सारे के सारे लोग आपके माल और दौलत को यही छोड़ रख लेंगे, और आपको बिना जेब वाले चंद चंद गज गज कपड़ों में कफन में लपेट कर कब्र के हवाले। मेरे भाइयों, मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ आज के इस इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस पे बैठ कर कि आप अपने आप को कुरान में ढूंढिए। आप अगर ताजी पेशा है, आप अगर मालदार हैं, आप अगर गुनहगार हैं, आप अगर नेक हैं, जिस 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 हैसियत से भी अगर आप जिंदगी बसर कर रहे हैं, उस हैसियत से आप अपने आप को कुरान में ढूंढिए, कुरान में आप पाए जाएंगे। आखिरी बात वो ये कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये समझ रहे हैं कि हम तो गुनहगार हैं, हमारे ऊपर गुनाहों का बोझ है, हम कैसे अपने आप को कुरान में ढूंढे। मेरे भाइयों, आपका भी तज़किरा कुरान में किया है, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया है قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله اے میرے حبیب میرے بندوں کے درمیان جا کر اس بات کا اعلان کر دیجئے اسرفوا على انفسهم اگر انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اپنے آپ پر گناہوں کا بوجھ لا دیا ہے لا تقنطوا من رحمت الله اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بلکہ وہ آئے دربارِ الٰہی میں آکر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اپنے رب کے سامنے توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے انہ هو الغفور الرحیم اللہ کی ذات وہ ہے جو غفور الرحیم ہے اپنے
अपने बंदों को बख्शने वाली है और रहम करने वाली है। मेरे भाइयों, कुरान का ये पैगाम था जो मुख्तसर तौर पर चंद मिसालों के जरिए मैंने आपको पहुंचाने की कोशिश की है। मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि कुरान को पढ़िए और गहराई के साथ पढ़िए, उसकी बारीकियों के साथ पढ़िए। और कुरान की अगर एक आयत पढ़ते हैं तो उस एक आयत का जो मुतालबा है, उस एक आयत का जो तकाजा है, उस तकाजे को पूरा करने की कोशिश कीजिए, तब जाकर हम और आप अपनी दुनियावी जिंदगी में भी और औरवी जिंदगी में भी इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, कामरान होंगे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इस दुआ के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के नेक अमल को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबके कहने और सुनने को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इजलास में जो लोग मौजूद है और जिस सतह पर जिन लोगों ने जैसा भी काम किया है, अल्लाह उन सबके लिए तो जहन्नम की आग को हराम करार दे मौला। आमीन। वा अखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।